नमस्कार बी एस सेकेंड ईयर म्यूजिक थ्योरी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड के अंतर्गत पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी स्वर लिपि पद्धति का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था। तो इससे पहले वीडियो में हमने पंडित पलुस्कर जी की स्वर लिपि पद्धति के बारे में जाना। तो अब बात करते हैं पंडित भातखंडे पद्धति के स्वर लिपि चिन्ह और शैली जो भी है। तो उन्होंने शुद्ध स्वरों को लिए तो चिन्ह रहित स्वर, जिन स्वरों में कोई चिन्ह नहीं होता वो शुद्ध स्वर है, अलग से कोई चिन्ह नहीं होता। चितार जिसमें मध्य स्वर सप्तक के शुद्ध स्वरों को हम मान सकते हैं, लेकिन तार सप्तक के स्वर जिनमें बिंदी लगी है तो वो भी शुद्ध स्वर माने जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर बिंदी लगी होती है या नीचे कोमल कोमल का लगा रहता है तो भी शुद्ध स्वर ही माने जाता है। मंत्र का लगा रहता है जैसे तार का भातखंड पद्धति में ऊपर बिंदियों का तार का निशान और नीचे मंत्र का है, बाकी कोई चिन्ह नहीं हो तो भी शुद्ध स्वर माने जाते हैं। कोमल स्वरों के लिए स्वरों के नीचे आड़ी रेखाएं खींची जाती है इस प्रकार। तो हमने देखा कि पलुस्कर पद्धति में कोमल स्वरों के नीचे कोमल स्वरों को दर्शाने के लिए वो स्वरों के ऊपर बिंदी लगाते थे, और यहाँ पे कोमल स्वर दर्शाने के लिए नीचे आड़ी रेखा पड़ी रेखाएं दर्शाते हैं, ये भातखंड पद्धति के चिन्ह। तो यह इसमें मुख्य अंतर है, पलुस्कर पद्धति में स्वरों को कोमल रूप दिखाने के लिए स्वरों पर बिंदी है और भातखंडे पद्धति में कोमल रूप दिखाने के लिए स्वरों के नीचे आड़ी रेखाएं खींची जाती है। तीव्र मध्यम के लिए म के ऊपर ये खड़ी डंडी है, और पलुस्कर पद्धति में उल्टा हलंत लगाया जाता था, ये इसमें मुख्य अंतर हो गया। मंद्र सप्तक के स्वर भातखंडे पद्धति मंद्र स्वरों के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, ये मंद्र सप्तक के स्वर है, मंद्र सप्तक के शुद्ध स्वर है। भातखंड पद्धति में मंद्र स्वरों के लिए स्वरों नीचे बिंदी होती है, तो ये मंद्र सप्तक के स्वर है। पलुस्कर पद्धति में स्वरों पर बिंदी होती है मंदिर दर्शाने के लिए। तार सप्तक के स्वर भातखंड पद्धति में तार सप्तक के स्वर दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी होती है, जैसे ये स्वर है तो ये तार सप्तक के स्वर है, तार सप्तक के शुद्ध स्वर है। कोमल स्वर भी हो या विकृत स्वर भी होगा तो भी बिंदी होगी, अगर तार सप्तक है तो, जैसे ये हो गया, ये विकृत स्वर है तार सप्तक का तो बिंदी, तो ये तार सप्तक का तीव्र मध्यम हो गया। जैसे ये है कोमल ग है तो इसके ऊपर बिंदी लगा दें, तार सप्तक का ये हो गया, भातखंड पद्धति में ये हो गया तार सप्तक का कोमल गांधार। वैसे पलुस्कर पद्धति में तार सप्तक दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर खड़े रेखाएं लगाते हैं, जैसे रे तार सप्तक दिखाने के लिए ये खड़े लगाए, ग अगर कोमल ग को तार सप्तक दिखाएं तो ये तार सप्तक का पलुस्कर पद्धति में कोमल ग हो गया। तो वहाँ तार सप्तक दिखाने के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा होती है, और भातखंड पद्धति में स्वरों के ऊपर बिंदी होती है। आगे हैं गाने के शब्दों के आगे जितने अवग्रह चिन्ह हो उस शब्द को उतनी मात्रा बढ़ाकर गाते हैं, अर्थात शब्द को शब्द का अंतराल बढ़ाना हो तो अवग्रह के चिन्ह होते हैं जो अंग्रेजी के एस के समान होते हैं, और भातखंडे पद्धति में बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें सॉरी पलुस्कर पद्धति में जो पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। जिस स्वर के आगे जितनी पड़ी लकीरें हो उस स्वर को उतनी मात्रा बढ़ाकर गाते हैं, अर्थात स्वर का मात्रा काल अंतराल बढ़ाना हो तो उसके आगे इस प्रकार की पड़ी रेखाएं लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे सा है तो एक दो तीन चार, तो सा पांच मात्रा का हो गया यहाँ पे, और
कई स्वरों को एक मात्रा में गाने बजाने के लिए ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, जैसे प म ग म, तो प म ग में चार स्वरों को ये लगा देंगे तो ये एक ही मात्रा काल में चार स्वरों को बोलेंगे, अथवा र ग म ध नि सा। अब ये र ग म ध नि सा एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्वर हो गए, ये एक ही मात्रा का जो एक मात्रा का निशान है ये वगैरह ये चिन्ह, तो ये सभी स्वरों को एक मात्रा काल में बोलेंगे। मीड के लिए ये चिन्ह बताया गया है, तो ये मीड के चिन्ह में पलुस्कर और भातखंड पद्धति का एक ही विचारधारा है। इसमें इस प्रकार मेड का चिन्ह, इसका मतलब होगा सा से म तक जाएंगे हम, और सा से म तक एक ब्रिज की तरह जाएंगे, जिसमें रेगद स्वरों की ध्वनि भी आएगी, ऐसे खंडित ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन बोला स्पष्ट सा और म ही जाएगा, लेकिन जी इस प्रकार जाएंगे कि रेगद और रेग बीच के स्वरों की भी ध्वनि में स्पष्ट सुनाई देगी। कर्ण स्वर के लिए सेम वही पद्धति, पलुस्कर और भातखंड पद्धति सेम है। कोष्ठक बंद स्वर, जिसको हम आंदोलन का रूप भी कह सकते हैं। अब अगर इस स्वर, इस प्रकार कोई स्वर है जैसे पाई इस कोष्ठक के अंदर है, तो इसमें हम प को इस प्रकार हिलाएंगे कि हमें पहले ध प म प इन स्वरों को क्रमशः सम्मिलित ध्वनि सुनाई देगी, तो इसमें प हिलता हुआ नजर आएगा। सम का चिन्ह, जो हम सम का चिन्ह यूज करते हैं, वो वहाँ पलुस्कर पद्धति में चार मात्रा के स्वर का चिन्ह होता है। खाली के लिए यह चिन्ह जो वहाँ पे दो मात्रा के स्वर के लिए होता है। सम को पहले ताली मानकर, भातखंड पद्धति में सम को पहले ताली मानकर अन्य तालियों के लिए क्रमशः दो तीन चार आदि श्रृंखलाएँ, अर्थात भातखंड पद्धति में ताल का ठेका या आवर्तन का स्टार्टिंग पॉइंट एक मात्रा से होता है, उसको सम भी कहते हैं, जिसका चिन्ह इस प्रकार है। बाकी की तालियों के लिए दो तीन और चार संख्याओं का उपयोग किया जाता है। अति मंद्र के लिए स्वरों के नीचे डबल बिंदी आ जाएगी स्वरों के नीचे, तो अति मंद्र का निशान। अति तार के लिए स्वरों के ऊपर अगर डबल बिंदी आ जाएगी इस प्रकार, तो ये अति तार का चिन्ह। और भातखंड पद्धति में जहाँ फूल का चिन्ह बना हो गायन गाते वक्त गीत में, तो वहाँ एक मात्रा चुप रहना, मतलब गायक को एक मात्रा चुप रहना पड़ता है, फूल का चिन्ह होता है जब बंदिश में तो। और जहाँ कोमल का कोमा का निशान हो, तो वहाँ वादक अधिकतर इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन में बंदिशों में कोमा का निशान यूज होता है। भातखंड पद्धति में तो उस कोमा के निशान को एक मात्रा ठहरना होता है। तो इस प्रकार ये भातखंड पलुस्कर पद्धतियों में कहीं समानता है तो कहीं विभिन्नता है, लेकिन उत्तर भारतीय संगीत में दोनों पद्धतियों का समान महत्व है, जो उनको किसी भी प्रकार से एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं कह सकते। दोनों के अपने अपने गरिमा हैं, दोनों के अपने महत्व, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो इस प्रकार ये हमारी उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित दो संगीत पद्धतियाँ हैं। धन्यवाद।